हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सुबह सुबह मतलब 5:45 बजे के आसपास बाहर का माहौल। किस देखो अभी भी बहुत ठंडा है और थोड़ा ठीक ही है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप नहीं है। ठीक है, अब मैं नीचे आ गई हूँ अपना काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। तो अभी तो मैं दीपशिखा के लिए लंच बना रही हूँ और जल्दी जल्दी फटाफट अपना काम करूँगी। और उसकी फरमाइश थी मम्मी दाल के पराठे बनाना, तो मैं जो है दाल वाला आटा लगा रही हूँ और अब दाल के पराठे बनाऊँगी फटाफट फटाफट। तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि फिर क्या होता है ना, लेट हो जाते हैं, फिर वो भी स्कूल के लिए लेट हो जाती है और मैं भी आने वाले आगे आगे काम के लिए लेट हो जाती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी उसके लिए दो पराठे बना रही हूँ। और फ्रेंड्स बताना ज़रूर, मतलब मैं आपसे कुछ बात भी करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि मेरे व्लॉग्स वगैरह आपको कैसे लगते हैं कैसे नहीं लगते, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और सबसे बड़ी बात मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे ये बता दो एक बार कि मतलब मुझे क्या क्या कमी है, क्या है क्या नहीं है, तो ज़रूर बताना। और लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर किया करो। तो भाई मेरा लंच बन गया है, ये दीपशिखा का टिफ़िन बॉटल और दही का डिब्बा तैयार हो गया है। अब मैं उसको उठा लेती हूँ और नहला देती हूँ। तो दीपशिखा नहा धो के भी आ गई है और अब इसको मैं स्कूल के कपड़े वगैरह पहना देती हूँ। भाई पता है क्या है, दो दो बच्चों के साथ होती तो है प्रॉब्लम। देखो हम सुबह जल्दी उठते हैं और शाम तक रात तक हमारा यही रूटीन रहता है। हम इसी तरीके से हाउस वाइफ जो है ना, एक काम करती रहती है। हाउस वाइफ का काम कभी ख़त्म नहीं होता, मतलब कभी कुछ छूट जाता है कभी कुछ छूट जाता है। जब हम डेली रूटीन भी करते हैं ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ घर के काम में जो है ना ऐड होता ही रहता है। फिर भी मेरी तो चलो सिंपल लाइफ है, मेरी तो ये है कि मेरे को सुबह उठकर सिर्फ बच्चों को तैयार करना होता है और फिर अपना घर का जो भी झाड़ू पोछा बर्तन और जो भी काम होता है वो करके अपना नाश्ता पानी बनाना होता है। इतने में मेरी बेटी भी स्कूल से आ जाती है और थोड़ी देर बाद मेरा बेटा भी उठ जाएगा। अभी मैंने उसका स्कूल बैग वगैरह भी पैक कर दिया, कर रही हूँ उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है उसका बैग पैक कर देती हूँ। और उसके बाद उसको बाय बाय बोल देती हूँ। यहाँ इसके पापा भी आ गए हैं, पूछ रहे हैं दीपशिखा रेडी है कि नहीं रेडी है। तो हाँ भाई वो रेडी है, उसका बैग पैक कर दिया मैंने, वाटर बॉटल भी डाल दी है। अब वो चली जाएगी, उसकी वैन उसको लेने के लिए आती है, पर वैन वाले तक दीपशिखा को छोड़ के आना पड़ता है। तो यहाँ भाई मैं अपने कपड़े बदल लिए मैंने, क्योंकि लोअर टी शर्ट में जो है मैं काम नहीं कर सकती हूँ घर का, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, बाहर से कोई आ जाता है या मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो मैं उस मतलब लोअर टी शर्ट में बाहर नहीं जाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो इसलिए भाई मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं और मैं कर रही हूँ अपने घर का काम। तो मैं फटाफट फटाफट सारा काम निपटाऊँगी, अपना झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा काम निपटा निपटू के फिर नहा धो के लंच का काम करूँगी। तो सारे ही कमरों में झाड़ू वगैरह लगाने में मुझे थोड़ा टाइम भी लग जाता है, थोड़ा क्या मतलब लग जाता है फिर भी, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं और गैलरी है, तो इतने में झाड़ू वाड़ू लगाने में टाइम लग जाता है, पोछा वोछा लगाने में टाइम लग जाता है। मेरे को 11-12 बज ही जाते हैं काम करते 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 सुबह उठने के बावजूद, और कई बार मैं लेट भी हो जाती हूँ उठने में, क्योंकि क्या हो जाता है ना, कई बार अलकस भी आ जाता है। जैसे रात को लेट हो जाते हैं तो सुबह सोचते हैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो लेट हो जाते हैं। तो इसलिए फिर चलो, लेकिन आज तो मैं जल्दी उठी थी, हो गया है ऑलमोस्ट, गैलरी में झाड़ू लग रही है मेरी, लग ही जाएगी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट कर ही रही हूँ मैं बस गैलरी में, और बाहर वाले कमरे में लगा रही हूँ। अब जल्दी से अपना सारा काम वगैरह खत्म कर लेती हूँ। आ गई हूँ भाई मैं नेक्स्ट रूम में। इस रूम में बच्चे बहुत शैतानियाँ करते हैं, बच्चे बहुत खेलते हैं, तो यहाँ कोने कोने में बच्चे कूड़ा कर देते हैं। तो कोने कोने से बैठ के नीचे से हर जगह से मुझे कूड़ा अच्छे से निकालना पड़ता है, झाड़ू अच्छे से निकालने पड़ती है। क्या होता है ना, मेरे बच्चे छोटे हैं, एक अभी स्कूल जाती है 2nd क्लास में और एक अभी बहुत छोटा है, थोड़ी देर सो रहा है वो, तो वो 2.5 साल का है। तो उसके साथ फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ, तो जब तक वो सोता है तब तक मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। उसके उठने के बाद मैं काम नहीं कर पाती क्योंकि उसको भी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अभी वो थोड़ा छोटा है तो ब्रेस्ट फीडिंग भी करता है। तो अभी वो बहुत मतलब अभी मैं उसको, मेरे को सुबह मॉर्निंग में उसे टाइम देना ही पड़ता है जब तक उसके पापा नहीं आते। तो इसलिए मैं अपना काम फटाफट फटाफट खत्म करती हूँ। लेकिन मेरा ये कमरा इसलिए ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेलते हैं
और कुछ भी खाते हैं पीते हैं, रैपर वगैरह, बॉटल वगैरह कोल्ड ड्रिंक की या कोई भी चीज़ ग्लास वगैरह सब यहीं छोड़ देते हैं। तो इसके बाद दीपशिका स्टडीज़ भी करती है तो पेपर वगैरह फाड़ फूड के वहीं फेंक देती है, तो उस कमरे में मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। तो अब मैं थोड़ा यहाँ काम वाम करके बाहर की तरफ जाऊँगी और बाहर की तरफ भी झाड़ू लगाऊंगी। घर के बाहर भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, डेली लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, साफ़ रहता है ताकि बाहर से, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, हमारे घर के बाहर गाड़ी वगैरह ज़्यादा आती जाती नहीं है, ट्रैफिकिंग नहीं है, तो क्या होता है ना बच्चे बाहर खेल लेते हैं अपने, मतलब अपने टॉयज़ के साथ, अपने स्कूटर के साथ। दीपशिका साइकिल चला लेती है तो बाहर बच्चे खेल लेते हैं, मैं भी कई बार बाहर वॉक वगैरह कर लेती हूँ। तो जितना भी, जैसे जो हमारे किराएदार वगैरह रह रहे हैं अड़ोस पड़ोस में, तो उनकी गाड़ियाँ वगैरह आती हैं तो उससे कूड़ा हो जाता है, तो मैं डेली झाड़ू लगा देती हूँ, तो ज़्यादा मतलब कूड़ा इकट्ठा भी नहीं होता और साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम बाहर खेल वेल भी लेते हैं, तो मैं इसलिए डेली बाहर भी झाड़ू लगाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपना दुपट्टा ओढ़ करके बाहर की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि भाई मुझे सर पे दुपट्टा रखना पड़ता है, यहाँ पर सर पे दुपट्टा रखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर पे दुपट्टा रख के बाहर निकलना। तो मैं बाहर की तरफ झाड़ू लगा देती हूँ, साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना शाम के टाइम हम लोग यहाँ वॉक वगैरह कर लेते हैं, बच्चे खेल लेते हैं, तो अपना सुबह के टाइम मैं डेली यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ, साफ़ सफाई कर देती हूँ। मुझे साफ़ सफाई करना अच्छा भी लगता है और इसी बहाने मेरा टाइम भी निकल जाता है यहाँ वॉक करने के लिए और सफाई भी हो जाती है। तो भाई फिर से मैं अपनी किचन में आ गई हूँ, वहाँ बाहर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद तो यहाँ पर जितने भी बर्तन वगैरह हैं और थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह है वो मैं करूँगी। और यहाँ पर मैं अपनी मेड के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि वो आती है तो कपड़े वगैरह वो ही धोती है, मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, मैं अपने घर की साफ़ सफाई का काम करती हूँ, कपड़े वगैरह मेरी मेड ही धोती है। तो मैं उसके लिए कप चाय बना रही हूँ, फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी अपने, और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी, नहाने के बाद अपना लंच वगैरह की तैयारी करूँगी। यहाँ देखो दीपशिका के पापा कुर्सी पे चढ़ के टीवी में पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टीवी में कुछ आ नहीं रहा था, तो वो कह रहे हैं कि चलो पीछे से तार वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये भाई भी मदद कर रहे हैं, तो वो टीवी में कनेक्शन वगैरह चेक कर रहे हैं और अपने कंप्यूटर को सेट कर रहे हैं। अब भी मैं फिर से अपनी किचन में आ गई हूँ। तो इसके पापा बाहर से लाए थे भाई कचौड़ी, होती है ना कचौड़ी, आलू की सब्जी और कचौड़ी अच्छी लगती है कभी कभी खाने में, तो इसके पापा वो लेकर के आए थे और मेरे से कह रहे थे कि डाल दो, तो मैं कह रही थी कि चलो ठीक है। तो मैं थोड़ी सी किचन में डस्टिंग सी करने लग गई थी, तो टाइल्स वगैरह साफ़ करने लग गई थी, इतने वो टीवी देख रहे थे, तो जब उनका टीवी वगैरह का काम हो गया था तो मैंने सोचा फिर थोड़ी सब्जी काफ़ी ज़्यादा गर्म भी थी, तो उसके बाद फिर मैंने उनको कचौड़ी वगैरह डाल करके दी और मैंने खुद भी खाई। देखो ये रही आलू की सब्ज़ी और कचौड़ी, तो इसमें सब्जी में ही हम दो कचौड़ी तीन कचौड़ी डाल के नींबू प्याज वगैरह डाल करके खाते हैं तो अच्छी लगती है। किस किस को पसंद है मुझे बताना ज़रूर, मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, कभी कभी मुझे पसंद है, कभी कभी इसके पापा को भी अच्छी लगती है, तो हम लोग कभी कभी मंगा लेते हैं खा लेते हैं। तो इसके पापा लेकर के आए थे, तो इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया है और अब इसको मैशअप करके मिक्स करके खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो किस किस को पसंद है बताना ज़रूर, मैं भी खाऊंगी थोड़ा सा। तो भाई अब चलते हैं खा लेते हैं। तो ये हमारे घर के बाहर भाई आंगनवाड़ी है और ये हमारी मेड है, तो यहाँ दीदी से कुछ कह रही है, यहाँ बच्चों का खाना वगैरह मिलता है, तो थोड़ा बहुत जो जैसे जो मेरे बच्चों का मिलता है ना वो खाना भी पूजा को हम दे देते हैं, खा लेते हैं। कई बार मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, पर कई बार ऐसी चीज़ आती है ना बच्चों को पसंद नहीं होती, चाहे वो आंगनबाड़ी में चाहे घर में हो, तो बच्चे नहीं ही खाते। तो मेरे बेटे के नाम का जो थोड़ा बहुत खाना आता है वो पूजा ले लेते हैं और यहाँ चल रही है फ्रेंड्स सब्जी के बाद मैं घी बनाने की सोच रही हूँ, काफी दिन की मतलब एक हफ्ते की मलाई खट्टी हो गई है। देखो ये रही, ये एक हफ्ते की मलाई है, तो मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करके और फिर उसके बाद जितने भी इसमें मक्खन वगैरह निकलेगा ना उसको गैस पे चढ़ा करके ता करके घी निकालूंगी और देखना आप बहुत अच्छा निकलता है। और ये फ्रेश भी मतलब ये काफ़ी अच्छा होता है, प्योर होता है। मैं ज़्यादातर घर में ही घी निकालती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना भैंस का दूध आता है तो उसकी मलाई काफ़ी मोटी होती है, तो हम उसकी मलाई को इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं और ये अच्छा भी है, अपना घी भी घर का ही हो जाता है। जो अगर थोड़ा बहुत कम पड़ता है तो मैं बाहर से थैली वगैरह मंगा लेती हूँ, पर ज़्यादातर मैं इसी को यूज़ करती हूँ और इसी को बनाती हूँ। तो ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, थोड़ी देर काफ़ मतलब थोड़े टाइम तक इसको हम गैस पे उबालेंगे
और उसके बाद जब इसमें ये अच्छे से उबल जाएगा तो आप देखना इसका ये इस तरीके का हो जाएगा। तो जितनी भी जो मतलब मलाई थी ना वो जल के इस तरीके से घी में बदल गई है और ये घी में बदल गई है। अभी थोड़ी देर और मैं इसको गैस में चलाऊंगी और थोड़ी देर बाद देखना ये एकदम साफ़ हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मैं इसको छान करके एक कंटेनर में डाल लूँगी। देखो मैं आपको दिखाऊँगी, देखो ये छान करके मैंने कंटेनर में डाल लिया। अभी ये गर्म है तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसको एक बार और छानूंगी। जब मैं इसको एक बार और छान लूँगी ना तो ये ऊपर की जो थोड़ी बहुत आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट सा है ना ये मलाई का, तो ये भी हट जाएगा। फिर उसके बाद ये एकदम बहुत ही अच्छा घी हो जाएगा और खाने में भी अच्छा लगता है, मतलब बाहर के घी से ज़्यादा अच्छा लगता है। कायदे से कहूँ तो मुझे तो भाई अच्छा लगता है। हमारे घर में ज़्यादातर घी का यूज़ होता है, पराठों में, चावल में, हर एक चीज़ में ज़्यादातर हमारे यहाँ घी का यूज़ होता है। तो भाई अब मैं ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, अब मैं जा रही हूँ ऊपर पानी भरने के लिए। तो बताना ज़रूर मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब मी। बाय देन ऑल।